ये रॉन्ग साइड है, बताइए ये रॉन्ग साइड है। यहाँ से हम आए थे, अभी यहाँ पे हैं। ये तो धमकी से चलान काट रहे हैं, ये देखिए, ये धमकी से अपने आप पैसा खींचने के लिए चलान काट रहे हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हर एक ड्राइवर पे पास पहुँचाइएगा ये वीडियो। ओ भैया है नंबर का नहीं आपका गाड़ी के लिए, झूठ मूठ का चलान काटा जा रहा है रॉन्ग साइड बता के, झूठ मूठ का। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करिएगा। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। बिहार में एक अलग खेला खेला जा रहा है। खेला क्या खेला जा रहा है, अगर आप बिहार के गाड़ियों के बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको परेशान करने के लिए ट्रैफिक पुलिस नए नए तरीके को अपना रही है। जो सामान्य पुलिस है, जिला पुलिस है, उसको तो देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे होम डिलीवरी की सुविधा शुरू है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वालों को भैया कहाँ से कमाई होगी। तो जो कमज़ोर आदमी होता है, लोकतंत्र में हमेशा बलि तो बकरे की दी जाती है, और जब ट्रैफिक पुलिस के लिए बकरा खोजा जाए तो वो हो जाता है कमर्शियल गाड़ी का ड्राइवर। अभी आप हमारे बीच में देख रहे हैं एक ड्राइवर साहब है, इन ड्राइवर साहब के साथ क्या कुछ माजरा हो गया है, आइए चलिए दिखाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भाई साहब, पुलिस कहती है कि हम ट्रैफिक व्यवस्था मेंटेन करते हैं, उसमें जो अरंगा डालेगा उसका चलान काटेंगे। आप कहे कह रहे हैं कि आपके साथ उल्टा हुआ है। जैसे कि मैं अपनी गाड़ी लेके, मेरे को कल बुकिंग मिली थी ये चिड़ियाखाना से पीएन मॉल का, तो मैं अपना ऑटो पर धर के जा रहा था, तो तीन चार को पुलिस ने रोका हमको। जैसे ही हम ये पीएन मॉल का गली में राजीव नगर के जो जाता है, राजीव नगर के पास तीन तीन एंट्री गेट है, वहाँ पर की बात कर रहे हैं, जो पुल के नीचे में अटल पथ वाले पुल के नीचे में उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, ये अटल पथ पुल के नीचे में जो एंट्री गेट है, जो राजीव नगर, ये पीएन मॉल चल जाता है। हाँ, पीएन मॉल चला जाता है। कोई को नहीं रोक रहा था, मैं कमर्शियल गाड़ी था, रोकवाया। मैं थे ड्राइविंग लाइसेंस आरसी मांगा, सब दे दिया। चार पुलिस था, तीन पुलिस चला गया, एक पुलिस रुक गया। उसने बोला कि 500 रुपया दो मेरे को। हम बोले कि किस चीज़ का 500? बोले साइड में लगा। हम बोले कि साइड में हम लगा दिए। बोले 500 रुपया दो, हाथ में जल्दी दो, सब देख रहा। हम बोले कि क्या, जितना खून चूसना है सब कमर्शियल गाड़ी के ड्राइवर से ही आप चूस लीजिए। ये हो गए भाई बिहार सरकार की पुलिस। अब पुलिस ने क्या काम किया देख लीजिए। एक नौजवान लड़का है, मेहनत से दो पैसे कमाना चाहता है, और इसके लिए इसने पीले नंबर प्लेट की गाड़ी ली है, और गाड़ी लेकर ओला उबर में जब यह बुकिंग लेकर जा रहा था। हम उस पुलिस वाले से भी बात करेंगे और उसका भी क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए कैसे ये उस रास्ते से जा रहे थे, पीली नंबर प्लेट की गाड़ी थी, समझा कि भाई इसका तो खून खींच लेंगे, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको इसने रोक दिया और 500 रुपये का डिमांड किया। हाँ, 500 रुपये का डिमांड किया, तो फिर क्या होगा? मैंने बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तो वो फिर सीनियर के जाके बात किया। फिर उसके बाद तीन चार को आया, बोला कि ऑनलाइन चलान मारो, इसका ऑनलाइन चलान मारो। किस चीज़ का चलान मारने के लिए कर रहा था वो? बोल रहा था कागज तो आपको पूरा था। हाँ, मैं पूरा कागज था। वो बोल रहा था नो एंट्री का चलान मारे। मतलब क्या दिन का नो एंट्री? मेरा पास सुना नहीं, वो लोग ने चलान मार दिया। मैं फिर मेरे पे फोन किया, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास सबूत। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पास ये सबूत नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे पास फोन में सबूत है, मेरे पास वीडियो है। तो दर्शकों, आपको हम वीडियो के माध्यम से आप देखिएगा कि बगल में कैसे वीडियो चल रहा है, और उस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि उसी गाड़ी के बगल से अन्य गाड़ियां जा रही हैं, उनका चलान नहीं काटा जा रहा है, खाली आपका चलान काटा जा रहा है। सही बोल रहा हूँ? हाँ जी भैया, सही बोल रहे हैं। अब मैं वहाँ पे गरज गरज के वीडियो में बोल भी रहा था, वो समान अनदेखा कर रहे थे। हाँ, कुछ नहीं, वो सब खाली पैसा दूसरी गाड़ियाँ जा रही थी, दूसरी गाड़ियाँ जा रही थी, दूसरी गाड़ियाँ पे ध्यान नहीं दे रहा था। बस जितना भी कमर्शियल गाड़ी जा रही थी सबको सरखानी कर रही थी। सबसे चाह रहा था कि 500, 200, 300 रुपया हमारे पास आता रहे। उनके घर में तो चूल्हे जले, लेकिन ड्राइवर का चूल्हा भले ही टूट जाए, इससे किसी पुलिस वाले को मतलब नहीं है। और इस कारण इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये आप इस पर बने रहेंगे तो आपको आगे पता चलेगा। तो हाँ भाई साहब, आपका चलान है जो गलत तरीके से काट दिया गया, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, आपके पास फोटो भी है, सबूत भी है, तो क्या कीजिएगा आगे चल के? आप आगे चल के मैं कार्रवाई करूंगा, मैं DSP ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद सब जगह जाऊंगा, या नहीं होगा तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा, इस चीज़ को रोकूंगा, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और ड्राइवर भाई लोग के साथ ना हो ऐसा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित जी बता रहे हैं कि किस तरीके से इनके साथ अन्याय हुआ, और बिना मतलब के इनकी गाड़ी को रोक के इनके ड्यूटी को डिस्टर्ब किया गया, और बिना मतलब का चलान काटा गया, और चलान काटने के साथ इससे मिसबिहेव भी किया गया, जिसका वीडियो फुटेज आप हमारे बगल में देखेंगे, और देखेंगे कैसे अन्याय होता है एक ड्राइवर के ऊपर। और जब सच की आवाज़ जब ये ड्राइवर उठाएगा तो उन पुलिस वालों के साथ क्या होगा, ये भी आने वाले समय में आप वीडियो से देखेंगे। आप चलान की फोटो हमारे इस वीडियो में एडिट करके आपको डाल दिया जाएगा, और जो वीडियो
जो चालान काटा जा रहा है, जो पुलिस वालों के सामने में ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कोई नो एंट्री नहीं है, इस पर आप तमाम दर्शकों से भी अनुरोध है कि राजीव नगर इलाके में जो एंट्री है, जो अटल पथ के पास है, वहाँ जाके पुलिस वालों से पूछे कि क्यों कमर्शियल ड्राइवर को परेशान किया जा रहा है, क्यों उनका बेमतलब का चालान काटा जा रहा है। ये हर एक नागरिक का दायित्व है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और इस तरह की समस्या आएगी। कल के डेट में तो आप यूनियन ड्राइवर का जो यूनियन है उसमें भी जा सकते हैं, हल्ला हंगामा होगा वहाँ, बीस गाड़ी लगेगा तो सड़क जाम होगा, तो ये सब परिस्थिति तो आम नागरिक को भी परेशानी हो सकती है ना। हाँ जी, हो सकती है जी। तो आप मैंने इसके बाद डीएसपी साहब से जाएंगे, वहाँ पर बात करेंगे, वो नहीं होगा तो फिर यूनियन से बात करेंगे। और क्या लगता है कि आपको इस तरह की समस्या और भी ड्राइवर को भुगतनी पड़ती होगी और कहीं पर है? सो ये तो राजीव नगर का मामला हुआ, और कहाँ कहाँ आप लोग को परेशानी होता है एज ए ड्राइवर? वैसे बहुत जगह होती है, इनकम टैक्स गोलंबर होती है, फिर उसके बाद ये मीठापुर वाला ऊपरपुर पे होती है, ये पटना जंक्शन के पास होती है, सिमरा हॉस्पिटल, सिमरा हॉस्पिटल के पास होती है, बहुत जगह ऐसा होता है। इसलिए हम लोग ये चीज रोकने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। तो बराबर ड्राइवर के साथ समस्या होती है, एक तो शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियों को लेके जा रहे हैं, कस्टमर ऑनलाइन गाड़ी बुक करते हैं और वो दुकान से बाहर आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, इतने में ड्राइवर का चालान हो जाता है। ड्राइवर जाए तो जाए कहाँ, अपनी पीड़ा को कहाँ सुनाए? और इस पीड़ा को अगर आप मजबूती देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे डी पीपुल वॉइस के साथ।